हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मैं अडोबी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एरर गैसिंग विद एन एग्जांपल। एरर गैसिंग एक टेस्ट डिजाइन टेक्निक है। टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज किए जाते हैं टू ड्राइव द टेस्ट केसेस। टेस्ट डिजाइन टेक्निक थ्री टाइप्स की होती है। द नंबर वन इज द ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स, द सेकेंड वन इज द एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स, एंड द थर्ड वन इज द व्हाइट बॉक्स और वी कैन से स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं टेस्ट डिजाइन टेक्निक एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट डिजाइन टेक्निक का पहला पार्ट जो है एरर गैसिंग। जैसा कि नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, इसमें जो टेस्टर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उनके पास एक एक्सपीरियंस होगा एंड वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे गैस करेंगे कि यहाँ पे या इस एरिया में एरर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक टेस्टर हैं ना, आपके पास किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट करने का एक्सपीरियंस है। लेट्स सपोज आपने पहले काम किया है अमेजोन के साथ, अमेजोन वेबसाइट की टेस्टिंग की है आपने। इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने ज्वाइन किया फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की टेस्टिंग आपको परफॉर्म करनी है, तो आप पहले आपके पास एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट करने का, तो आप कम टाइम के अंदर ये गेस कर सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है, वहां पे किस एरिया में डिफेक्ट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी अपने एक्सपीरियंस वहां पे यूज करेगा टेस्टर टू गेस द डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन। ये मतलब होता है एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्ट डिजाइन टेक्निक का। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है tutorialsninja.com। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चांसेस ज्यादा हैं डिफेक्ट मिलने के रजिस्टर फंक्शनैलिटी के अंदर, एंड रजिस्टर फंक्शनैलिटी के अंदर भी टेलीफोन फील्ड के अंदर। यहाँ पे मैं अभी अकाउंट को रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपना नाम दिया रजत, रजत लास्ट नेम इज भट्टी, एंड ईमेल मैं कुछ भी देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने दिया rajat45@gmail.com एंड टेलीफोन एंड यूजर्स के परस्पेक्टिव से देखिए तो आपका टेलीफोन के अंदर आपका डिजिट होना चाहिए, 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना चाहिए। बट मैं एज ए टेस्टर माइंड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज एंटर करता हूँ 10 डिफरेंट अल्फाबेट यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने रैंडम अल्फाबेट यहाँ पे एंटर किए। सो आपका केस ये कहता है, जो आपने टेस्ट केस बनाया होगा, कि यदि आप टेलीफोन फील्ड के अंदर कोई अल्फाबेट एंटर करते हैं तो आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं होना चाहिए। बट आप यहाँ पे अभी आप पासवर्ड डालिए, कंफर्म कीजिए पासवर्ड को, प्राइवेसी पॉलिसी चेकबॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, एंड अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग आपका ये अकाउंट रजिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर सही नहीं है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, सो आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है विद इनवैलिड टेलीफोन नंबर। सो आपका ये डिफेक्ट है इस वेबसाइट के अंदर, एंड आपने ये गेस लगाया आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप कम टाइम में डिफेक्ट ज्यादा ढूंढ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस। ये होता है आपका एरर गैसिंग टेस्ट डिजाइन टेक्निक। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है, सो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे आप लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ।